गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो आइसोमेरिज्म में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे। ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताए थे कि कहां पर ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कहां पर ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो उसमें आपको बताए थे कि किसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होने के वजह से जहां पे डेवलप करता है उसको हम लोग ज्योमेटिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहला बताए थे कि अल्कीन है तो उसमें ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। फिर आपको बताया कि ऑक्साइम है तो उसमें ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। फिर आपको बताया आइमीन है तो उसमें ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। फिर एजो कंपाउंड है तो उसमें ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इतना सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसी में आपको बताए थे कि अगर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्कीन्स है तो उसमें भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। फिर साइक्लो अल्कीन है तो उसमें भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और फिर कुमुलेटेड पोलिन्स है उसमें भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और लास्ट आपको बताए थे अस्पायरो कंपाउंड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्कीन है तो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पांचवा पॉइंट में आप डाल दीजिए कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। अब देखिए डिफिनेशन को फिर से समझिए। ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो रोटेशन कहां पर पॉसिबल नहीं है, तो बताए थे कि जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। लेकिन अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अल्कीन में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता था। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो वहां पर भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो वहां पर भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसको कि हम लोग एजो कंपाउंड कहते हैं। उसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए ये सब सारा हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि साइक्लोअल्केन, तो उसमें क्या बताए थे कि अगर आपका रिंग है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ओपन चेन है और सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर रोटेशन पॉसिबल होता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है और ओपन चेन कंपाउंड है तो वहां पर रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिंग है। तो रिंग होने के चलते यहां पे आप चाहेंगे भी इसको रोटेट करना किसी बॉन्ड के अबाउट, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे इसका नाम क्या है, तो साइक्लोहेक्सेन। यहां पर भी क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या रिंग होने के चलते रोटेशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो यहां पर भी आप चाहेंगे किसी बॉन्ड के अबाउट रोटेट करना तो वहां पर भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी रोटेशन क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि रिंग में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तब वो रिंग होने के चलते वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पे लिख लीजिए कि रोटेशन इज नॉट अलाउड अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन रिंग्स। और यही कंडीशन तो चाहिए, ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म के लिए रोटेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, सो जीआई कैन टेक प्लेस इन साइक्लिक कंपाउंड, इसीलिए साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सवाल है कि जब ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो इसके लिए ये कंडीशन चाहिए कि कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट दो डिफरेंट sp3 कार्बन पे होना चाहिए। कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट दो डिफरेंट sp3 कार्बन पे होना चाहिए। तो इसको भी आप इसी में लिख लीजिए कि ओनली कंडीशन फॉर ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग्स इज दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना चाहिए। कहां होना चाहिए, तो कहता है डिफरेंट sp3 कार्बन। तो रिंग का जो डिफरेंट sp3 कार्बन है उसमें कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट तो होना ही चाहिए, और वो सब्स्टिट्यूएंट आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि दिस सब्स्टिट्यूएंट कैन बी सेम और डिफरेंट। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं
कि रिंग में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए और एक कंडीशन चाहिए, क्या, कि कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए डिफरेंट sp3 कार्बन पे, और वो जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मिलते हैं, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पर देखिए ये तो सबसे पहला रिंग है, रिंग के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, पहला कंडीशन तो पास कर गया। क्या दूसरा कंडीशन में आपको क्या बताया, दूसरा कंडीशन में बताया कि दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, तो यहां पर देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और एक है सो ऑक्सीजन है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट भी हो गया। अब कहता है कि वह जो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो ये कार्बन तो आपका sp3 है, क्या ये भी कार्बन sp3 है, तो जवाब आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड आ गया, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे आपसे इसमें पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहले देखिए रिंग है और रिंग में सिंगल बॉन्ड है तो पहला कंडीशन पास हो गया, रिंग में सिंगल बॉन्ड है तो रिंग होने के चलते रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या कह रहा है, कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन sp3 होना चाहिए, तो ये भी कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे एक तीसरा एग्जांपल देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पर सबसे पहला कि रिंग है, रिंग में सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा रिंग होने के चलते। अब आपको कहता है कि कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट है और वह सब्स्टिट्यूएंट sp3 कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए डिफरेंट sp3, तो यहां पर देखिए ये भी एक डिफरेंट sp3 और ये डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अब आपसे इसमें पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ध्यान से समझिएगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि रिंग है, रिंग में सिंगल बॉन्ड है, पहला कंडीशन पास हो गया। दूसरा में कहता है कि कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, यानी कि दो से ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पर देखिए दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तीन तीन सब्स्टिट्यूएंट है। अब कहता है कि वह जो सब्स्टिट्यूएंट है डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो यहां पर देखिए कि ये भी कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, तो क्या ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो नहीं करेगा, एक कंडीशन फिर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आइडेंटिकल हो गया और वो एक ही कार्बन पे बॉन्डेड। अगर ये मिथाइल, ध्यान से समझिएगा, अगर ये मिथाइल इस कार्बन पे अगर होता तब हम बोलते कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन यहां पर ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, sp3 कार्बन के साथ तो बॉन्डेड है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप आने के चलते ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो साइक्लिक कंपाउंड, या कह सकते हैं कि साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, ये सभी लोगों को क्लियर हो गया। सबसे पहला कि कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए और वह सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट sp3 कार्बन पर होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग, अब आप लोग को कुछ एग्जांपल्स हम देंगे और आप लोग को बताना है कि कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, बाद में फिर हम लोग लिखेंगे कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसका GI कैसे लिखेंगे और उसका GI कितना होगा। अभी सिर्फ हम लोग कंडीशंस देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा और अगर करेगा तो उसका नंबर ऑफ GI कितना होगा। चलिए तो यहां पर इतना सारा एग्जांपल है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर सच में सीखना है तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर करके ये सारे को नोट कीजिए
और आपको जिसमें लगता है कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा उसमें टिक मार्क कर दीजिए, और लगता है कि जिसमें ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो उसमें क्रॉस लगा दीजिए। चलिए अब आप बताइए कि पहला है सो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए रिंग है, सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, तो दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है सो डिफरेंट sp3 कार्बन पे बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सेकेंड में बताइए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सेकेंड है सो इसी के जैसा है। अंतर क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, मिथाइल लगा दिया गया। रिंग है, पहला कंडीशन पास, दो सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसका मतलब ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर देखिए ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पर देखिए रिंग है और रिंग में कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। ध्यान से समझ लीजिए, रिंग में कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। अब यहां पे कह रहा है एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें बताइए फोर में बताइए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए ये रिंग है सबसे पहली बात। अब यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 चार सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहला बात समझिए ये दोनों एक ही कार्बन पे आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसके चलते ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बट यहां पर देखिए कि दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट sp3 का कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तब हम कहेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरे कंपाउंड में कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, तो हम कहेंगे कि वो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे यहां पे बताएं कि अगर इसको आप देखिएगा तो ये दोनों के चलते ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बट अगर ये दोनों को देखिएगा तो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हम कहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको क्या बोलना है कि हाँ करेगा। अब किसके चलते करेगा, तो हाँ ये ब्रोमीन और अल्कोहल के चलते करेगा, क्लोरीन के चलते नहीं करेगा। यहां पे देखिए फिफ्थ में बताइए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर देखते हैं क्या कि दो सब्स्टिट्यूएंट है, कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट दो डिफरेंट है, मतलब क्या है, डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक उसी तरह से देखिए अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहला चीज आप देखिए, आप अल्कीन का पढ़ चुके हैं कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड, अल्कीन में आपको बताए थे कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड होना चाहिए। यहां पर देखिए तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो दो डिफरेंट एटम या ग्रुप होगी। लेकिन इस कार्बन के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट एटम ग्रुप है या नहीं है, तो आप उसको देखिए, इधर से जब जाइएगा तो CH2 और इधर से भी आइएगा तो CH2, यानी कि ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब रह गया रिंग, तो रिंग में तो कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, ये एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन आपको क्या कह रहा था कि कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, तो रिंग होने के चलते भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके चलते भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहां पे क्या कहेंगे कि ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इसमें देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप कैसे देखिएगा, सबसे पहले देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, आइडेंटिकल आ गया, तो ये तो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब रह गया रिंग, तो रिंग में अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या देख रहे हो, हम आपको क्या बताएं, कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, ये दो सब्स्टिट्यूएंट तो है और वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ये कार्बन क्या है, sp2 है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिंग के चलते भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके चलते भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या कंडीशन है, कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूएंट तो आपका 1,2 और इधर मिथाइल भी है। अब कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो यहां पर sp3 कार्बन के साथ भी बॉन्डेड है, तो क्या ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस sp3 कार्बन के साथ दोनों आइडेंटिकल ग्रुप या एटम आ गया, यानी कि दोनों मिथाइल आ गया, तब हम कहेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यही मिथाइल अगर यहां पे आ जाता, ब्रोमीन अगर यहां पे चला जाता, तब हम कहते कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे यहां पर देखिए, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पर देखिए कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर देखिए ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही देख लेते हैं कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर क्या है, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसके साथ देखिए एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है। अब इधर राइट साइड लेफ्ट साइड देखिए, इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है या नहीं है वो आप देखिए, तो वो कैसे देखते हैं कि वो साइमेट्रिकल है या नहीं है। तो यहां पर देखिए इधर जब जाते हैं तो CHCl CH2 आएगा, और इधर से जाइएगा तो पहले कौन आ जाएगा, CH2, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये साइमेट्रिकल नहीं है। तो जब साइमेट्रिकल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो डिफरेंट ग्रुप या एटम को रिप्रेजेंट करेगा, तब हम कहेंगे कि ये ज्योमेटिकल कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन रिंग वाला कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, रिंग ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहां पर फाइनली क्या कहेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किया। यहां पर अगर आपसे पूछे कि अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये पता चला, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन है। अब रह गया रिंग में, देखिए कि रिंग में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि दो सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो आपसे अगर क्लास में टीचर पूछ दें कि अच्छा बाबू बताओ ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप बोलेंगे हाँ करेगा। अब उसमें उसके बाद अगर वो पूछते हैं कि अच्छा बताओ किसके चलते करेगा, तब आपको वहां पे बोलना होगा कि रिंग के चलते करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे अब इसमें 12th में देखिए, ऑक्साइन में आपको बताए थे ना कि यहां पर नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर है। अब कार्बन नाइट्रोजन के पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ऑक्साइन में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब यहां को मेरे को देखना कि करेगा कि नहीं करेगा, तो ये लोन पेयर और अल्कोहल दो डिफरेंट ग्रुप या एटम तो हो गया। आपको पहले ही बता चुके हैं, पिछले ही क्लास में बताएं कि लोन पेयर को ही हम लोग डिफरेंट एटम मानते हैं। अब यहां पे फिर क्या देख रहे हैं कि इधर जब आते हैं तो यहां पर भी CH2 है, यहां पर भी CH2 है, तो क्या दोनों आइडेंटिकल है, नहीं। यहां पर लिखा हुआ है 12 और यहां पर 14, इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन का आइसोटोप है। नोट करके हम आपको लिखा दिए, आइसोटोप्स जो है डिफरेंट एटम या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे कार्बन नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड है इसके चलते ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्यों, नाइट्रोजन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया और इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया, एक कार्बन का 12 आइसोटोप है और एक 14 है, तो हम कहेंगे कि यह ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन किसके चलते किया, कार्बन नाइट्रोजन के चलते किया, रिंग के चलते नहीं किया। ठीक उसी तरह से इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर देखिए ये रिंग है और यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गया और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अब आप देख लीजिए कितना सारा एग्जाम्पल में कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। अभी और एग्जाम्पल देंगे और जो नहीं कर पाए थे तो उसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए,
चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। टोटल देखिए 25 एग्जांपल है, इतना में आपको सीख जाना है कि साइक्लो अल्केन में कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कहां पे नहीं करेगा। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कुमुलेटेड पोलिन्स, ठीक है, और साइक्लो अल्कीन। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, और अगर नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालते हैं, फिर वहां पे स्ट्रक्चर भी लिखने के लिए सिखाएंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर वही बात आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और 10 मिनट समय दीजिए, अगर सीखना है तब, और खुद से करके देखिए कि कहां पे करेगा कहां पे नहीं करेगा, फिर हम जब बताते हैं तो उसको मिलाइए। जैसे सबसे पहला देखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि दो, कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, यहां पर तीन सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ होना चाहिए, यहां पर डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ है तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे यहां पर अब क्लोरीन की जगह पे क्या आ गया, ब्रोमीन, तब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना कि दो, एक दो तीन सब्स्टिट्यूएंट हो गया और तीनों क्या sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर देखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करेगा तो ये रिंग करेगा। क्यों रिंग करेगा? तो ये रिंग जो है, देखिए कम से कम आपका बताए थे दो सब्स्टिट्यूएंट, तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड है, वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ बॉन्डेड है, sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो ये क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन भी है। नहीं, हर जगह, जितने जगह sp3 कार्बन हम लोग जो बोलते हैं तो वहां पर एक हाइड्रोजन भी रहता है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों किया, ये सबको समझ में आया, ये रिंग होने के चलते ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया। इसमें बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहला, ये तो साइक्लो अल्कीन है नहीं, साइक्लो अल्कीन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको हम फिर बता रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। इसमें बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? तो रिंग है, रिंग में अभी आपको बताया, यहां पे क्या है कि ये दो सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्ड, मतलब एसपी, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और वो सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हाँ, ध्यान रखें, ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है रिंग में, इसके चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है रिंग में तो उसका कोई रोल नहीं है, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है वो सिंगल बॉन्ड के चलते शो कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहले तो इसको देख लीजिए। तो क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, दो डिफरेंट ग्रुप हो गया। अगर लेफ्ट साइड वाला भी कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अब आप देखिए, इधर जब जाते हैं तो CH2 मिलता है और इधर जाते हैं तो CH3 मिल जाता है, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जब जाते हैं तो डिफरेंट ग्रुप है और इधर जब जाते हैं तो डिफरेंट ग्रुप है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सवाल यह है कि क्या रिंग के भी चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? रिंग में दो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अगर इसको आप सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं तो ये sp3 कार्बन नहीं है। रिंग में क्या होना चाहिए? कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए और वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये रिंग के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, किसके चलते करेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते करेगा, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है।
यहाँ पर देखिए ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर देखते हैं, पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख लेते हैं। तो कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखिए ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन है, ये दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है। क्या इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है? तो इधर से चलिए देखिए CH2, तो इधर भी CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CHBr हो गया। तो क्या डिफरेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके चलते ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, पहली बात। तो सवाल उठता है कि क्या रिंग के चलते करेगा? नहीं, रिंग के भी चलते नहीं करेगा, क्योंकि रिंग के चलते हम आपको बताए कि कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, और वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो रिंग भी नहीं किया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया। तो यहां पे हम क्रॉस लगा देंगे। अब 20 में देखिए, 20 में फिर देखिए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर उसी तरह का एग्जांपल देखिए आ गया। यहाँ पे क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम या ग्रुप तो हुआ। क्या लेफ्ट साइड भी है? तो देखिए इधर से जाइएगा तो CH2, इधर भी CH2, यहाँ पे आइएगा CH2, फिर उधर से आइएगा तो CH2। यानी कि ये क्या हो गया? साइमेट्रिकल हो गया। तो जब साइमेट्रिकल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसके चलते ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और रिंग के चलते भी ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं रिंग के चलते ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो रिंग पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है जो sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, और कम से कम आपको क्या चाहिए? दो सब्स्टिट्यूएंट चाहिए। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं करेगा। इसमें देखिए ये करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तो दूर से ही दिख रहा है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके साथ दोनों हाइड्रोजन आ गया, तो ये तो डबल बॉन्ड ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखिए रिंग है, ये रिंग जो है ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आपको क्या कहता है कि कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है, यहां पर भी एक मिथाइल है, और वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये भी कार्बन है सो sp3 है, और ये भी कार्बन है सो आपका sp3 है। तो रिंग के चलते ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ कर रहा है। किसके चलते कर रहा है? तो रिंग के चलते कर रहा है। तो यहाँ पे आप टिक मार्क, ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसमें देखिए ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पर देखिए एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर देखिए ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कौन सा रिंग करेगा? तो ये बीच वाला जो रिंग है ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ दो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो इसको ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है। तो ये तो आगे हम लोग करेंगे, कि पहले तो अभी हम आज ये सिखा रहे हैं कि ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो इसका GI क्या होगा। तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो किया, ये रिंग, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसमें अब बताइए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तीनों डिफरेंट है, और तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट है sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पे बताइए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट तो है, लेकिन आपको क्या बोला गया था कि कम से कम दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, और वो डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। यहां पर एक ही sp3 कार्बन के साथ दोनों बॉन्डेड, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन एक ही sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो गया, तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आज हम आपको बताएं कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साइक्लोअल्कीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कि साइक्लोअल्कीन में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए। आज का क्लास आपको कैसा लगा,
कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।